दोस्तों, आप सभी ने 90 के दशक में कई सारी खूबसूरत जोड़ियां देखी होंगी जिन्होंने अपनी शादियों पर खूब सारा पैसा खर्च किया है और अपनी शादी को एक ग्रैंड शादी में तब्दील किया है जो कि लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है। लेकिन दोस्तों, जहां 90 के दशक में हमें कई सारी ग्रैंड शादियां देखने को मिली हैं, तो वहीं 90s में ऐसे भी कई जोड़ियां रही हैं जिन्होंने अपनी शादी में खूब कंजूसी की है और अपने दोस्तों को सस्ते में ही निपटा दिया है, जिनके बारे में आप शायद कुछ नहीं जानते हो। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 90 के दशक की उन्हीं जोड़ियों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने अपनी शादी में कंजूसी की है। तो अगर आप भी उन जोड़ियों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के तक बने रहे। तो चलिए जानते हैं उन जोड़ियों के बारे में। नंबर 10, फरदीन खान और नताशा। बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान ने साल 2005 में नताशा से शादी की थी जो कि 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मुमताज की बेटी है। साथ ही बता दें, इन दोनों ने अपनी शादी पर बहुत ही कम पैसा खर्च किया था और इन्होंने अपनी शादी में केवल अपनी फैमिली फ्रेंड को ही इन्वाइट किया था। नंबर 9, विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन ने 14 दिसंबर 2012 को फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर सिद्धार्थ रॉय कपूर से घर में ही हिंदू रीति रिवाज के साथ लगभग 10 लाख रुपए के अंदर ही शादी कर ली थी। नंबर 8, जूही चावला और जय मेहता। बॉलीवुड की चुलबुली अभिनेत्री जूही चावला ने बिजनेसमैन जय मेहता से साल 1995 में कोर्ट मैरिज की थी जिसमें लगभग 2000 का खर्चा आया था। तो इस तरह से इन दोनों ने अपनी शादी को सस्ते में ही निपटा दिया था। नंबर 7, रवीना टंडन और अनिल थदानी। 90s के दशक की जानी मानी अभिनेत्री रवीना टंडन ने 22 फरवरी साल 2004 को डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थदानी से उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी जिसमें लगभग 10 लाख तक का खर्चा आया था। मगर आपको बता दें, इन्होंने इसमें कंजूसी की है क्योंकि इनके पति लंदन में शादी करना चाहते थे पर वहां पर 30 लाख का खर्चा आ रहा था, इसलिए इन्होंने उदयपुर में ही सस्ते में ही शादी करना ठीक समझा। नंबर 6, सुनील शेट्टी और माना शेट्टी। बॉलीवुड में अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी ने साल 1991 में माना शेट्टी से शादी की थी जिसमें इन्होंने बेहद ही कंजूसी की थी। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी शादी में काफी नॉर्मल सूट पहना था क्योंकि उस समय इनके पास ब्रांडेड शेरवानी लेने के लिए 10 से 15 लाख रुपए नहीं थे, इसलिए इन्होंने अपनी शादी को भी काफी ज्यादा नॉर्मल रखा था जिसमें इन्होंने ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए खर्च किया था। नंबर 5, आमिर खान और रीना दत्ता। 90 के दशक के मशहूर अभिनेता आमिर खान ने साल 1991 में रीना दत्ता से केवल 10 में ही कोर्ट मैरिज करके ये साबित किया था कि ये कितने ज्यादा कंजूस हैं, जो अपनी शादी में केवल इतने से रुपए खर्च किए हैं। नंबर 4, आयशा जुल्का और समीर वाशी। 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री आयशा जुल्का ने साल 2003 में बिजनेसमैन समीर वाशी से शादी की थी मगर आपको बता दें कि इन्होंने ये शादी सभी से छुपा कर की थी ताकि इन्हें अपनी शादी पर ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। नंबर 3, गोविंदा और सुनीता आहूजा। चीची के नाम से मशहूर अभिनेता गोविंदा ने साल 1987 में सुनीता आहूजा से चोरी छिपे शादी कर ली थी ताकि इन्हें किसी को भी पार्टी ना देनी पड़े, जिसके चलते इन्होंने अपने करोड़ों रुपए बचा लिए जो इनकी शादी पर खर्च हो सकते थे। नंबर 2, सोनाली बिंद्रे और गोल्डी बहल। 90 के दशक की पहली मासूम अभिनेत्री सोनाली बिंद्रे ने साल 2002 में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर गोल्डी बहल से साधारण मराठी रीति रिवाज के साथ अपनी फैमिली की मौजूदगी में लगभग 50,000 के अंदर ही शादी कर ली थी। नंबर 1, रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा। 90 के दशक की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने साल 2014 में डायरेक्टर प्रोड्यूसर और आदित्य चोपड़ा से अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर शादी की थी, इसलिए इनकी शादी के साथ अब पिक्स नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी शादी को लगभग 5 से 10 हजार में ही निपटा दिया था। तो वहीं अगर बात की जाए इन जोड़ियों में सबसे ज्यादा कंजूसी करने वाली जोड़ी की, तो वो कोई और नहीं बल्कि आमिर खान और रीना दत्ता है जिन्होंने अपनी शादी पर केवल 10 रुपए ही खर्च किए थे। तो दोस्तों, आपको इन सभी जोड़ियों से रूबरू होकर कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।